गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सतनाम भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई का बीते दिनों चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें एक नई कार्यकारिणी जीत कर सामने आई थी। इसके बाद नई समिति का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया शामिल हुए और उन्होंने नई कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंची कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान विधि अनुसार किया गया। तत्पश्चात नई कार्यकारिणी ने समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की शपथ ली और समाज को उत्तरोत्तर विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में विशेष तौर से उपस्थित नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने नए कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल को ढेरों बधाइयां दी और आगे हर प्रकार के सहयोग प्रदान करने की बातें भी कही। सेक्टर 6 के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित रूप से सतनाम भवन सेक्टर 6 में जो निर्मित है, हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के और बाबा घासीदास जी को मानने वाले लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है और यहाँ से बहुत सारे विकास के काम समाज के लोगों के और प्रदेश के विकास के बहुत सारे काम किए जाते हैं। निश्चित रूप से मैं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे सौंदर्यीकरण का कुछ काम है और अन्य कामों की मांग की गई है। भवन निर्माण के इनको पहले 50 लाख रुपया दिया गया था और यहाँ सौंदर्यीकरण के अन्य छोटे छोटे काम हैं, उन सब कामों के लिए बोला गया है। हमारे हर चुनाव जो है फाइनल और सेमीफाइनल होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है हम खैरागढ़ चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे और ये चुनाव तो 17 महीने के लिए हो रहा है। हमारे जो विधायक बनेंगे वो 17 महीने के लिए, बाई इलेक्शन है और 2023 मुख्य है, फाइनल है वो। प्रत्येक समाज खुद को विकास की तरफ बढ़ाने के लिए अपने रहनुमाओं को चुनता है और वह रहनुमा ऐसा होना चाहिए जिसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, तब जाकर एक समाज अपनी प्रतिष्ठा देश और दुनिया के सामने बना पाता है। देखना होगा कि गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई की यह नई कार्यकारिणी अपने कार्यकाल में समाज को कितना ऊपर उठा पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।